सागर में नए साल में प्रदेश का पहला रिश्वतखोर 25,000 लेते धराया। लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिश्वतखोर कर्मचारी को 25,000 रुपए नगद लेते हुए पकड़ा है। लोकायुक्त पुलिस ने इंस्पेक्टर बीएम द्विवेदी के नेतृत्व में सागर के बिहड़ कृषिकरण योजना कार्यालय में सहायक यंत्री पद पर पदस्थ राज सिंह को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है। फिर कार्रवाई के लिए उसे गोपालगंज थाने में ले आए, जहां शेष कार्रवाई की गई। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर के शनि वागरी ने कस्टम हायर योजना में आवेदन किया था, जिसकी 10 लाख रुपए सब्सिडी मिलनी थी। इस सब्सिडी को दिलाने के एवज में उससे 35,000 की रिश्वत मांगी गई थी। गुरुवार की सुबह ऑफिसर कॉलोनी में 25,000 की रिश्वत ली तो लोकायुक्त ने दबोच लिया। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। और हम देव पन्ना जिला के निवासी। ये जो आपने लोकायुक्त में किस संबंध में शिकायत की थी, जिसमें कोई इंजीनियर पकड़े गए हैं? सर, ये निजी कस्टम हायरिंग योजना के तहत हम इसमें लाभ लेते हैं। कृषि अभियान की वाले उपकरण खरीदते हैं जो यहाँ से पास होता है हमारा, और हमारी कार्रवाई सब सागर से ही होती है। इसमें सर क्या था कि हमारी सब्सिडी डाली जाती है, जो हमारा टोटल अमाउंट रहता है, हमारा प्रोजेक्ट बनता है, उसमें हमारे हमें 50% सब्सिडी मिलती है। क्या जब पूरी कार्रवाई ख़त्म हो गई तो फिर हम उनसे बोले, सर हमारी सब्सिडी का क्या है? बोले 50,000 का जुगाड़ करिए, आप सब्सिडी डल जाएगी। कौन ने किसने मांगे थे पैसे? जी सर, किसने मांगे थे आपसे पैसे? जी सर, हमसे तो राजी सर से बात होती थी, राज सर जो है हमारे, हम उन्हीं से बात करते थे और उन्होंने ही हमें फोन लगा। क्या क्या नाम था, क्या किस पद पर थे वो? वो सर सब इंजीनियर हैं। नाम क्या? नाम उनका राज सिंह। आज क्यों फोन ले रहा था आपसे पैसे? कैसे ये सर, आज हमसे राज सिंह लिए हैं, हमने दिया। कितने पैसे लिए थे? और सर हमसे 50 की डिमांड किए थे, मगर हमने उनको 35 दिया। 35 फिर हमने उनको 25 ही दिया थी, हालांकि हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पाई उतनी, हमने उन्हें 25 ही दिया। और हमने यहाँ लोकायुक्त में शिकायत की थी, जैसे कि उनको तो फिर गिरफ्तारी करवाई, क्योंकि गलत तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये गलत तो गलत होता है, कुछ पाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये शनि बागरी हैं, पन्ना निवासी। उन्होंने एक शिकायत की थी कि उनको कस्टम हायरिंग के लिए आवेदन किया था, जिसमें इनका चयन हुआ था, जिसमें सब्सिडी आना थी, 10 लाख रुपए सब्सिडी की मिलना थी। जो राज सिंह यांत्रिकी सहायक हैं, इनके द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी, जो 35,000 रुपए की मांग की गई थी। इनके पास 25,000 रुपए की व्यवस्था हो पाई, आज 25,000 रुपए लेते हुए रिश्वत में पकड़े गए, कार्रवाई जारी है। सर, ये किस विभाग में पदस्थ हैं? ये कृषि बीहड़ कृषि योजना है, विभाग है जिसके अंतर्गत आता है, और इसमें एक राज्य शासन की योजना है जिसमें युवाओं को सक्षम बनाने के लिए कस्टम हायरिंग के तहत उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, उसी में 10 लाख रुपए राज्य शासन द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, इसी के एवज में इनके द्वारा मांगी। किस धारा के तहत? धारा 7 PC Act के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई जारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।